बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं सोए व्लॉग में आपका दोस्त जो सोए जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह का टाइम तकरीबन 6:45 बज रहे हैं और आपने देखा कि सूरज निकल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आज कंदम को हार लगाना है। तो जनाब बंदे वगैरह नहीं मिले थे, बाकी अभी जो सिस्टम है कि ट्रैक्टर वगैरह जो काटते हैं जो सीन भी है फिलहाल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अभी स्टार्टअप है तो वो बंदे उधर भी सिंध वगैरह में अभी कटाई हो रही है, तो उधर अभी फ्री होंगे तो वो पंजाब में आएंगे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की सूरत हाल ये है कि बिल्कुल सूख चुकी है, तो इसको हाथ तो लगाना है, मतलब स्टार्ट तो करना है। तो इसलिए हमने यही सोचा कि हम खुद ही ये काम जो है शुरू करते हैं और अपने हाथों से इस बार काटते हैं इंशाल्लाह। जितनी काटने की जो रह गई वो चले बंदे मिल गए या जो सीन भी हुआ वो काट लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन में आ चुका हूँ, तो अभी आवास इधर भी आएँगे पीछे, लेकिन मैंने कहा चलो आप थोड़ी देर से आ लेना, अगर मैं लेट गया तो मैं सो जाऊंगा, तो मैं ज़मीन में पहुँचता हूँ तो वो आ जाएंगे पीछे। तो माशाल्लाह बहुत ठंडा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना गंदम के सीज़न में ऐसा मौसम नहीं होता। तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र, वो रब है जैसा करना चाहे कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा महीना रमज़ान भी है तो इसलिए बहुत प्यारा मौसम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब तो अभी स्टार्टअप करते हैं, तो गंदम को हाथ लगाने लगे हैं, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से ये दुआ कि अल्लाह ताला किसानों के रिज़क में बरकतें अता फरमाए और हल जो हक हलाल की रोज़ी है वो कमाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों में से किसानों की मदद फरमाए और अच्छे से अच्छा रिज़क अता फरमाए। तो अभी जनाब इंशाल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर, अल्लाह ताला जो है सब पे करम फरमाए, तो आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आपने साथ रहना है इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई तरीका नहीं कि मैं बैल लगा के स्टार्टअप करूँ, तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना ऐदर और बास आते हैं ना, फिर इंशाल्लाह जो जो सीन होगा इंशाल्लाह जो जो और आएगा तो फिर इंशाल्लाह वो आपको साथ साथ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो जनाब स्टार्ट करते हैं, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह देखें मैंने गंदम काटना शुरू कर दिया और माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है, ठंडा मौसम है और मज़ा आ रहा है गंदम काटते हुए। तो अभी तक हैदर और बास तो नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्टअप ले लिया है, तो इंशाल्लाह जब तक वो आते हैं मैं थोड़ी सी कवर कर दूँ ताकि वो आके खुश हो जाएंगे, वाह आस्ता आस्ता काम ख़त्म हो गया। बस जी हूँ कणक गई, हूँ कणक नहीं अखलोंदी, आ गए बछिंदे, मेरी टीम आ गई के बैठी है, चौधरी अदर, फखरन कौदर और चौधरी बास, दोए फखरन कौदर आ गए जनाब। हूँ असा कणक जी ना ए मैं गड़िया कप छोड़िया जनाब, लो जी मेरे शेर आ गए, हूँ असा इंशाल्लाह फोकस ऑन द कणक, हूँ सारा साडा फोकस जरा वो कणके पर होना है, कोई मोबाइल शैल नहीं कोई कुछ नहीं, हूँ जनाब कणक अपने माशाल्लाह जी जनाब असा कणक जी तकरीबन तकरीबन अद्धी मुन्नी कपने पे माशाल्लाह जवान लगे हैं, तो सानू वेट है कि हम को करूँ वापसी या कौन है। चलो अस अपना काम लगे हैं, ऐसे साहब का फोन आ गया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बड़े भाईजान भी आ गए थे और उन्होंने माशाल्लाह में अच्छा खासा हाथ बटा के गए हैं, क्योंकि उनको हमने डेरे पे छोड़ा, हमने कहा आप डेरा संभालें और गंदम जाने और हम जाने, मैंने अब्बास और अदर ने ये कह कि आप डेरे पे रहें, हम जो है गंदम काट लेंगे जो जैसा भी हो जो सीन वो हम काट लेंगे। तो वो अभी आए थे हेल्प करा के गए थोड़ी बहुत, तो अभी वो घर चले गए,
वो दरांतियाँ उन्होंने दी हुई हैं तेज़ कराने के लिए, तो मैंने कहा वो हमें वो तेज़ करवा के वो दे दें। लो जी जनाब, हूँ साढ़े दरम्यान जरा मौजूद मेहमान आ गए, तुम मिलाने मौजूद मेहमान मलिक साहब आ गए। मैं दस तो बड़े भैरी तो पहला आए सर, हूँ मौजूद मेहमान आ गए मलिक साहब। ऐसे सिर्फ खान पीना आ मलिक साहब, उस बोतल की कसम में कोई लुवा कर जा सो। ठीक हो गया, डन हो गई, ठीक हो गया। बाद साहब आ गए जनाब, तो हूँ हैदर साहब मोटरसाइकिल लैके कार। अलहमदुल्ला जनाब, अस सारे घर टोर छोड़िया, मैं तो चो यादर रह गए दो बंदे, ते क्योंकि हूँ टाइम हो गया डेरे पर भी कम शम करना। फिर सारी गल है सारा सिस्टम अपने अंडर ही है, ते हूँ डेरे पर भी कम है टाइम है। अस बास में टोर छोड़िया भी, जा तू अबू जी जरा हेल्प कर तारा शारा बिच, चलो कम शम डे कर दिन। अस हूँ रह गई जी गड्डिया इन्होंने बंसा, फिर मंडलियाँ लासा, मतलब जेडे पंजाबी भाई समझते हो तो समझते हो, बाकी जे नहीं समझते उन्होंने वास्ते ये है कि अभी हम ना इनको बांधेंगे, इनको बांध के इनको एक सेटअप करके इनको मतलब जिसको कहते हैं ना एक तरतीब से लगा देंगे, ताकि कल आएंगे फिर इनको ना ऐसे आगे पीछे मतलब कर देंगे धूप लगने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल जो व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग यही था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, अच्छी खासी आज हमने जो है ना गंदम काट दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50-50% हो गई है, 50% हमने काट दी है और 50% रह गई है। तो इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि कोई ना कोई और कोई ज़राए मतलब कि जिस तरह आज वो एक मशीन का नाम उसको हम अपनी ज़बान में मोटरसाइकिल कहते हैं, वो मिल गया या ट्रैक्टर मिल गया, जो भी मिल गया तो ये कटवा लेंगे, ना मिला तो कल इंशाल्लाह सुबह सुबह आएंगे, तो ये जो है हम दोपहर तक 12-1 बजे तक ये भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। तो बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होगी। आजकल जो नेक्स्ट व्लॉग आएंगे वो ये गंदम के मतलब ही होंगे, क्योंकि अभी ये काटनी ये उठानी है, काट ये गट्ठी करेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर वो भूसा जिसे तूरी बोलते हैं वो गाल लेके जाएंगे वो रक्षे के ऊपर, वो मज़े के व्लॉग इंशाल्लाह आएंगे। तो जो बाहर हैं परदेसी भाई, उनको इंशाल्लाह मज़ा आने वाला हमारे व्लॉग में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग और भी आएंगे, तो आज का व्लॉग यहीं भी एंड करते हैं इस दुआ के साथ के जा रहे हैं खुश रहे, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे, मुझे और जो हैदर को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ के जा रहे हैं खुश रहे, अल्लाह हाफिज़।